वीडियो का शीर्षक देख के आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि सर ये कैसा शीर्षक है और इस वीडियो में आखिर आप क्या बताइएगा। तो बेशक वही बात बताएंगे जो आप शीर्षक पढ़े हुए हैं। तो देखिए थोड़ा सा दो तीन मिनट का एक कहानी सुनाना चाहेंगे हम, पहले वो सुन लीजिए। मेरे घर का एक मोबाइल नंबर है जिसके लास्ट में 06 है, ठीक। पूरा मोबाइल नंबर हम नहीं लिख रहे हैं, ये मेरे घर का मोबाइल नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जान ही रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो हर एक बैनर में दिया गया है। ये मेरे घर का व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग भी नंबर यही है 06 जिसके लास्ट में है। थोड़ा सा मिस्टेक मेरा भी है कि मोबाइल में हम पासवर्ड नहीं लगाए हुए थे, क्योंकि घर में है तो पासवर्ड रिमूव कर दिए थे ना, होता है। तो देखिए कहानी क्या आई है, जरा साफ समझिए। ये मोबाइल जिसे हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो अभी यहाँ लगाए हुए हैं स्टैंड में, इस मोबाइल में गर्ल्स ग्रुप और बॉयज ग्रुप दोनों है। ITC कोचिंग कहलगांव, ये हुआ लड़का सबका ग्रुप। एक है ITC कोचिंग गर्ल्स ग्रुप जिसमें केवल लड़की सबको रखे हुए हैं, और ITC कोचिंग कहलगांव उसमें सिर्फ बॉयज सब है, लड़का सब है। तो मेरा एक भतीजा है, और चूंकि ये हम वीडियो नहीं बनाते हैं, दो तीन दिन से कुछ लड़के परेशान हैं, कुछ बच्चे परेशान हैं, उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। देखिए मेरा भतीजा क्या किया है कि मेरा भतीजा मेरा मोबाइल नंबर गेम खेलने के लिए मांगा, गेम खेलने के लिए उसको दे दिए। उसके हाथ में ये वाला मोबाइल भी था, मतलब नहीं होता आसपास में छोटा सा बच्चा सब, हम सोए हुए थे चौकी पर, चौकी समझते हो ना, गांव समझ लगा रहता है, मेरे घर में भी है। तो चौकी पर लेटे हुए थे तो आया, बोला कि चाचा मोबाइल जरा सा दीजिए, ठेठिए में बोला। तो मोबाइल हमसे मांगा, हम दे दिए, खाली स्क्रीन लॉक था, उंगली सटा के पासवर्ड खत्म हो गया, तो दे दिए। वो क्या किया, अब व्हाट्सएप खोल के ITC कोचिंग ग्रुप वाला ले लिया, मतलब ITC कोचिंग बॉयज ग्रुप वाला। जो बच्चे इस घटना में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं, वो सब मेरा बात समझ रहे होंगे। जो सब अनजान है तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, और हमको समझाना भी उसी को है जो सब समझ रहे हैं, जो सब जिसके पास ये नंबर गया है। तो देखिएगा बच्चा सब क्या किया है, ये बच्चा क्या किया मेरा यहाँ वाला कहलगांव वाला बच्चा क्या किया वो हमें वीडियो में बताते हैं। यहाँ वाला छोटा बच्चा क्या किया कि मेरे इस फोन में जिससे अभी वीडियो बना रहे हैं, इसमें ITC कोचिंग बॉयज ग्रुप है, उस ग्रुप के बहुत सारे लड़कों को, चूँकि मिस्टेक है, मेरा भी मिस्टेक है, उसको सिर्फ गेम के लिए देना चाहिए था या व्हाट्सएप पे लॉक लगाना चाहिए था, व्हाट्सएप पे लॉक हम नहीं लगाए थे। खैर कोई बड़ा मिस्टेक भी नहीं है कि फांसी की सजा दे दिया जाए। तो क्या किया कि मेरा मोबाइल लेके, दोनों मोबाइल उसके हाथ में है, अब इस मोबाइल नंबर जो मेरे मोबाइल में चल रहा है ये सिम कार्ड, इससे मैं बॉयज ग्रुप में क्या किया कि लड़का सबका नंबर लेके, उसमें खाली लड़के सब ही है या जो सब भी हैं, तो उसमें किसी में लिख दिया, सबको व्हाट्सएप मैसेज कर दिया इस नंबर से। अब देखिए मैसेज क्या किया कि ज़्यादा मैसेज भी नहीं किया है, हम चेक किए, किसी में लिखा हुआ है हाय IM बबीता, किसी में लिखा है हाय मैं सुधा, किसी में लिखा हुआ है हाय मैं ललिता, यही सब नाम लिखा हुआ है, हाय IM कविता, जो गांव सबका नाम है, बच्चे सबके मन में जो आया, हाय IM नेहा, ये सब टाइप का कुछ नाम लिख दिया, बबीता, सुधा, कविता, इसी सब टाइप का नाम, और हाय लिख दिया, हाय IM बबीता या हाय IM सुधा, हाय IM नेहा, हाय IM कविता, इस टाइप का लगभग 8-10 लड़कों को मैसेज कर दिया और वो मोबाइल रख दिया। हमको ये सब पता कुछ नहीं है,
अभी हमको कुछ ये सब पता नहीं है। फिर क्या होता है इसके बाद क्या होता है, एक लड़के का पहले कॉल आता है ललन कुमार मेरे इस नंबर पे, ललन का कॉल आया इस नंबर पे, तो बातचीत किए हम। अब इससे बातचीत करने के बाद, ये बातचीत हुआ उधर से ही मैसेज आया था, इनको पहले पता नहीं था हम सर हैं, फिर जाना खास के सर हैं, तो बातचीत हुआ सर ये उधर से मैसेज आया था, आई एम सुधा ऐसे वैसे कुछ बोला, सुधा नाम से इस पे गया था, कोई मुकेश कुमार है, ये ज्यादा सीरियस है ये बेचारे, इसी को सच्चा प्यार हो गया है, इस पे लिख दिया था हाय आई एम नेहा। तो दो तीन दिन से कहानी क्या चल रहा है कि लड़का, अब कौन मुकेश है जरा सा ध्यान में आप समझ रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं कि फोन कर रहे हैं बार बार रात में 11 बजे मुकेश जी कॉल किए थे कि जैसे रिंग हुआ हम ही उठाए, हम इधर से हेलो भी नहीं किए 11 बजे रात में, और ये भाई साहब बोलते हैं मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। देख लो सच्चा प्यार केवल इसी चीज से हो गया, हाय नेहा, हाय नेहा, यही सिर्फ लिख के इधर भेजा गया है। इसी में इस भाई साहब को सच्चा प्यार कैसे हो गया हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक लड़का का कॉल आया कल 4 बजे या 5 बजे के आसपास, हमको कन्फर्म समय नहीं है, मोबाइल में देख के आपको समय बता सकते हैं। वो लड़के बोल रहे हैं मुझे मैं ललन का दोस्त बोल रहा हूँ, फिर हम बोले, फिर मेरी सिस्टर हमको मोबाइल दिया के कि किसी फोन आया है, तो हम बोले कि कौन, तो शायद बोला कि कहाँ से बात कर रहा था, हम बोले नाथ नगर से, तो फिर कॉल काट दिया। तो यही सब कहानी अभी दो तीन दिन से चल रहा है, जो इंटरेस्टेड कहानी हमको लगा, हम भी दो तीन दिन से खुश हैं। आखिर क्या परेशानी आप लोगों को हो गया है, ये सच्चे प्यार के पीछे क्यों पड़े हुए हो? नहीं अब जरा सा ये देखिए सर, ये सब में कहानी क्या है, मुकेश कुमार हुए हैं, जो सब बच्चे कॉल किए आप समझ गए होंगे, जो सब बच्चे कॉल कर रहे हैं या कॉल किए थे उनको बता दूं कि ये किसी लड़की का नंबर नहीं है। और इस जगह बड़े शर्म की बात है कि यदि आप लोगों के हाथ में किसी लड़की का नंबर लग जाएगा तो उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दीजिएगा, कभी दोस्त से कॉल करवाइएगा। लगभग 8 या 9 लड़के का कॉल आया समझ लो, सिर्फ इस चीज पे बात भी नहीं हुआ है, एक सेकेंड या 2 सेकेंड 3 सेकेंड लड़की से बात भी नहीं हुआ है, सिर्फ मैसेज गया किसी बच्चे के कारण, वो गेम खेलने के लिए मांगा, हाय आई एम फलना चिलना ये वो दिस डेट लिख के भेज दिया वो लड़का, इसी में अब सच्चा प्यार होने लगा। 11 बजे रात में कॉल कर रहा है, 11 बजे रात में कभी पढ़ा नहीं होगा ये सब वैज्ञानिक जग के कि मैथ का ये छोजरा कवर कर लें या ये कवर कर लें, लेकिन सच्चा प्यार हो गया। नहीं अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा सच्चा प्यार इतना जल्दी, प्यार कोई जुकाम सर्दी जुकाम सब नहीं है ना रे, तुरंत हो जाएगा, उसमें लंबा टाइम लगता है यार, साल भर लगता है, 6 महीना लगता है, 9 महीना लगता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। इतना जल्दी बताओ किसको सच्चा प्यार होता है, हाय नेहा से, यहाँ ये सब में सच्चा प्यार नहीं हुआ, ये देख लो ये सब में सच्चा प्यार नहीं हुआ है, ये भाई साहब ज्यादा सीरियस है, क्यों इसको नाम मिल गया है नेहा। अब देख लो इस वैज्ञानिक को, ये हम आप लोगों के सामने बात शेयर करना नहीं चाह रहे थे, शेयर करने की यही रीजन है कि ये नंबर मेरे घर का है 06, जो सब इस पे कॉल कर रहे हो हमसे ही बात होगा नहीं, और यदि किसी लड़की का नंबर सच में आप लोगों को मिल जाए, बहुत शर्म से बोलना पड़ रहा है इस जगह, मैं भी एक लड़का हूँ, कि लड़के सब इतने भी बदतमीज नहीं होने चाहिए, बदमाशी करना अलग बात है, क्लास में बदमाशी करते हो, पंखा तोड़ देते हो, बेंच तोड़ देते हो, वो सब अलग बात है, नहीं होता है रे कि वो सब बच्चे सबका लड़कपन है, 11वां का है, 12वां का है, थोड़ा मोड़ा 19, लेकिन ये क्या,
ये कोई बात नहीं हुआ कि सिर्फ ये मैसेज चले जाने से आप इतने खुश हो गए और इतना कॉन्फिडेंट कि सच्चा प्यार हो गया, वो भी केवल एक मैसेज से। ये तो हमको मुमकिन नहीं लगता है, सच्चा प्यार हो जाना केवल एक मैसेज से। हम तो सच्चा प्यार का मतलब यही जानते हैं कि इसमें टाइम लगता है छोटू। ये सब जो तुम लोग प्यार कहते हो, लड़के लड़की बोला, ये सब ये नहीं कि तुरंत ही गए, कोई एक्सीडेंट नहीं है ना, एक्सीडेंटल प्यार हो गया। इसमें टाइम लगता है, 3 महीना 6 महीना जानना पड़ता है, और ये उम्र है प्यार करने का। मुकेश जी को हम विशेष ध्यान में रखे हुए हैं कि इतना जल्दी सच्चा प्यार हुआ कैसे, आप हमें कमेंट में बताएं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो, चूंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं वीडियो देख ही रहे होंगे, इतना जल्दी सच्चा प्यार कैसे हो गया? इतना जल्दी तो कोहली भी रन नहीं बनाते हैं जितना जल्दी आपको प्यार हो गया। कोहली को भी शतक बनाने के लिए कम से कम 60 गेंद 70 गेंद खेलना पड़ता है, आप तो उससे भी आगे निकल गए। नहीं तो थोड़ा सा ये परेशानी वाला बात है, खुदा ना खास्ता आप लोगों के पास किसी लड़की का नंबर चला जाए तो सच में उसका दिमाग खराब कर दीजिएगा। दिमाग खराब क्या, उसको डिप्रेशन में डाल दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत आदत है। ये तो संजोग से मेरे घर का नंबर था और हमसे बात हो गया, नहीं कि कॉल आता है तो नहीं, कोई अननोन नंबर कॉल आता है मेरे घर वाले मोबाइल पे तो पापा बात करते हैं या मेरा छोटा भाई बात करता है या हम ही बात करते हैं, फिर देते हैं मम्मी सबको या कोई उठा लिए। अब ये सब कहानी हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो सब वैज्ञानिक कॉल कर रहे हो वो सब जान ले कि ये मेरे घर का नंबर है। खामखा आप लोग परेशान हो रहे हैं, और पढ़ो यार, अभी उम्र कितना हो रहा होगा तुम लोगों का, 17 साल हो रहा होगा, 16 साल हो रहा होगा, ये गोल्डन एज है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप कुछ भी बन सकते हैं, और यहाँ चल दिए हो नेहा से प्यार करने के लिए। मुंह सब अपना नहीं देखे हो रे, नेहा नाम भी जिस लड़की का रहेगा वो प्यार कर लेगा तुम लोग से, प्यार कर लेगी तुम लोग से, हैं जोटी सर। कॉन्फिडेंट देखो, 1 सेकेंड कम से कम ये भी तो देख लो, उधर से हेलो कौन कर रहा है, लड़का का आवाज आ रहा है, एक लड़की का आवाज आ रहा है, डायरेक्टली हाय, मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। प्यार तो ऐसा लग रहा है कि सर्दी जुकाम है, तुरंत कहीं दूसरे जगह पानी पिए बस हो गया, या फिर इतना बात हम क्लास में समझाते हैं आप लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आप मेरे कोचिंग के बच्चे हैं तो बिल्कुल आपको हम 10 बार समझाए होंगे कि ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो कीजिए, नहीं क्या कर लीजिएगा, आपको किसी से सच्चा प्यार भी हो गया। नहीं दरअसल अपने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछो, सच्चा प्यार आपको हो गया किसी से, और जाइएगा लड़की के पिताजी के पास तो क्या बोलिएगा उसके पिताजी को कि हेलो डैड, आई एम ए ट्रू लवर, मतलब मैं एक सच्चा प्रेमी हूँ, आपके बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, तो शादी करा दीजिए मुझसे, गिरा को वहीं 4 लाख देगा और बांध के चुपचाप थाना लेते जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ठीक ठाक तरीके से, हम प्यार के विरोधी नहीं है, लेकिन उसका भी एक सीमा है, एक उम्र है कि आप कुछ बन गए अपने लाइफ में, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तब कहीं प्यार हुआ, तब कहीं चले गए उसके गार्जियन के पास, हाँ ऐसे ऐसे बात है। अरे जोटी अभी एक 11वों 12वों में अपना तो ठिकाना नहीं है, चल देता है ट्रू लव, वो देखो ये बात भी सोचने लायक है, ट्रू लव नहीं सच्चा प्यार। एक मैसेज से जोटी सच्चा प्यार कैसे हो गया, ये थ्योरी हमको भी समझना है, जरा सा बताना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कि एक हाय नेहा लिखने से सच्चा प्यार कैसे हो गया, हालांकि ये गलती से मैसेज गया, हम जान रहे हैं पासवर्ड लगा के रखना चाहिए था, इतना भी पता तो चल गया ना कि किस हद तक लड़का सब गिर सकता है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, बिल्कुल गलत ये बात है।
कि किसी लड़की का गलती से नंबर मिल जाए तो उसको इतना परेशान कर दें कि वो डिप्रेशन में चला जाए। यही सबसे डिप्रेशन में चला जाता है रे। किसी लड़की कोई लड़की घर में है और 4 लड़का से कॉल करवाओगे और वहाँ जो है कि वो लड़की उसका गार्जियन उसका भाई भाई फोन उठाएगा, मम्मी फोन उठाएगी, पापा फोन उठाएंगे कि आखिर ये क्या बात है, क्यों बार बार फोन आ रहा है लड़का का, जहाँ वो पढ़ रही है वहां से भी छोड़ा देगा। यही न करेगा गार्जियन कि तू वहां पढ़ती नहीं थी, लॉकडाउन में घर में मोबाइल है, घर में कॉल आ रहा है 10 का, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पढ़ाई लिखाई छोड़ा देगा, किसी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दोगे। एक तो बड़ी मुश्किल से जिस फैमिली से हम लोग हैं, जिस मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं, यहाँ लड़कियों को कहीं रूम दिला के पढ़ाना भी बहुत बड़ा बात होता है। यदि कोई लड़की रूम लेके पढ़ने के लिए जाती है ना, तो 10 आसपास का बोलता है मत पढ़ाइए, बिगड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस सब गांव से हो, सब मेरा बात समझ रहे हो, ये सब होता है। ये नहीं कि मेरा घर गांव में है और आप जापान से आए हुए हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका से आए हुए हैं, नहीं, या यूके से आए हुए हैं, लंदन से आए हुए, एकदम सब यहीं के हो। यही है कि मेरा नॉर्थ नगर में है, आपका कहलगांव में है, किसी का एकचारी में है, किसी का सिलन में है, किसी का खानपुर में है, यही सब ना है, कोई पीरपैती से है, आसपास के ही सब लोग हैं, सब भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, या फिर क्या है, कोई ज्यादा ज्यादा झारखंड से आते हैं, 12-8 उधर से आते हैं, या फिर कोई आते हैं, बहुत बच्चे भागलपुर से हैं, नंदलालपुर उधर से आते हैं, चारों साइड से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, किसी लड़की की लाइफ बर्बाद कर दीजिएगा ऐसे, और वो भी खामखा एगो मैसेज से, मुकेश जी ये मेरे घर का नंबर है, नहीं ये मेरे घर का नंबर है, इतना ही हम कहना चाहेंगे कि ये सब मत कीजिए। किसी लड़की का नंबर पास में चले जाने से लड़कियों का लेडीज का क्या रिस्पेक्ट ना करने के लिए सिखाया गया है रे घर में। आपके घर में भी बहन है, हमको तीन तीन बहन है, बहुत सुंदर सब है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, कितनी सुंदर सब बहनों का भाई बनाए हुए हैं, उस हिसाब से हम दुनिया में कोई भी लड़की को देखते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं, और यही उम्मीद आप लोगों से रखते हैं कि आप भी रिस्पेक्ट कीजिए। नहीं ये नहीं कि 10 कॉल कर रहे हैं और जो है कि फालतू में ये सब वो सब बात कर रहे हैं, 11 बजे रात में किसी लड़की को कॉल करोगे, उसका भाई कॉल उठाएगा या उसकी उसकी मम्मी उठाएगी, उसका पिताजी उठा लेंगे, बोलो उस लड़की को वहां पढ़ने के लिए कभी जाने देगा, नहीं जाने देगा, और किसी ना किसी तरह उसका शादी करा देगा। गांव में यही ना होता है कि ये सब छोटा मोटा बात नहीं है, ये सब माफ कीजिएगा, ये सब बात सुनने के बाद तुरंत शादी करा देता है। मतलब जो लड़की बेचारी पढ़ती आगे चल के हो सकता है डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती या कोई बड़े पद पे जाती, उसको आप ये चंद कॉल के लिए फालतू सब चीज के लिए आप क्या कर दिए। और इतना ये जो सच्चा प्यार होता है, यदि आपके पिताजी के पास भी ये बात चला जाएगा तो गिरा के 4 लाख तो जरूर देगा मुंह में। नहीं यदि ये पता चल जाएगा किसी लड़की का परेशान कर रहे हैं घर में, आपका पता चल जाएगा तो आपका भी लाइफ बर्बाद हो सकता है, ऐसे ही इधर उधर किसी लड़की से शादी करवा देगा आपका भी, और फिर जाते रहिएगा हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग या फिर गोवा जाओगे ना, अभी किसी से शादी करवा देगा भैया का, अकाउंट में तो 400 का होगा नहीं ठीक से, अब चल देते हो सच्चा प्यार करने के लिए। बेपू पहले पढ़ो लिखो, कोई अच्छा सा नौकरी ले लो या कहीं अच्छे जगह सेट हो जाओ, सुंदर सा घर द्वारे को बना लो, उसके बाद प्यार श्यार करना। 16-17 साल के हो यार, कितना लंबा लाइफ जीना है अभी, और ये सब चक्कर में पड़ जाओगे, खाम खा डिप्रेशन में चले जाओगे, और एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से निकलने कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल गलत है जो सब बच्चे इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, बबीता समझ के, कविता, सुधा, नेहा, ये सब समझ के, या जो सब नाम से मैसेज गया है आपको वो ध्यान से देख लीजिए कि ये नंबर मेरे घर का है। गलती से मैसेज किसी बच्चे के द्वारा चला गया,
उससे हमको आज बहुत बड़ा सीख भी मिला कि मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखना है, और यदि ये मिस्टेक नहीं होता तो ये सब भी जानकारी नहीं मिलता कि लड़का किस हद तक गिर सकता है। इतने नीचे स्तर का भी परिचय मत दीजिए, साइंस के छात्र हैं आप लोग, ठीक। तो यही कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ों से दूर रहिए, पढ़िए लिखिए, लंबा टाइम अभी आपको जीना है। और थोड़ा सा हंसी भी आता है इस भाई साहब का बात सुन के, कम से कम उधर से देख तो लोग आवाज किसका आ रहा है, सच्चा प्यार हो जाता है कटप्पा सबको, समझ रहे ना, बिल्कुल ये सब गलत है। कोई कमजोर दिमाग की लड़की रहेगी तो आत्महत्या करवा दोगे तुम लोग ऐसे नहीं। और मोबाइल नंबर तो आपका चला ही जाता है ना, ऐसा अफायर होगा पिताजी भी नहीं निकाल पाएगा, यो याद रखना। ऐसा नहीं है कि जो सब कहलगांव पढ़ रहे उसके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी होते हैं कोटा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, दिल्ली चले जाते हैं, कहलगांव पढ़ रहे सब मेरे तरह ही हो, एकदम गरीब नहीं, एकदम गरीब फैमिली से हो तब तो कहलगांव में हो, और उसके ऊपर देख लो गरीबी परिचय दे रहे हो, यही सब ना गरीबी का परिचय है। गरीब हो तो कम से कम इज्जत करना लोगों को सीखो यार, दिल में रहोगे। सच्चा प्यार हो जाता है। आज ईमानदारी से एक बात हम बोल रहे हैं, आप कीजिएगा तो अभी तुरंत जाके वीडियो मेरा देखिए लिए, अभी तुरंत जाके जरा सा पिताजी के पास बैठिए तो देखिए वो क्या पहने हुए हैं, कौन सा चप्पल उसके पैर में है, क्या जो गंजी वो पहने उसमें कै गो छेद है, 100 गो छेद पीछे पुर जाता होगा, 80 ठो छेद इधर पुर जाता होगा। वो सबसे प्यार नहीं होता है तुम लोगों को कि पिताजी का गंजी बदल देंगे, नहीं कि हाँ अभी हम 5 साल एकदम बढ़िया से मेहनत करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद पिताजी को बोलेंगे कि अब आप बैठिए खाइए पीजिए खाली घूमिए फिरिएगा गाँव में, इधर उधर जाइए घूमने के लिए, अब हम कमाएंगे, ये सब तो सपना देखते नहीं हो। यही सब नाम बोलते हैं वहाँ कहलगांव में भी, यही सब सपना देखने के लिए इस चीज़ के पीछे पड़िए कि उम्र आपका 25 साल होते होते पिताजी को घर में बैठा देंगे, एकदम खाइए पीजिए आप आराम से, अब हम कमाएंगे, और यहाँ चल देते हैं अभी ये सब करने के लिए। नहीं, पिताजी जानेगा ये सब बात, शादी करवा देगा, अब बस सारा सारा सपना धराक धरा रह जाएगा। अभी सरसों तेल भी 190 टका के जी है जो टी से, इसीलिए पढ़ो ठीक से, बढ़िया जिंदगी जीना है तो पढ़ लिख के कोई नौकरी लीजिएगा, या नौकरी नहीं भी लगा अच्छे जगह सेट हो जाइएगा, बढ़िया से अच्छा खासा कमाइएगा, शादी करवाएगा, हनीमून मनाने के लिए कम से कम गोवा या दार्जिलिंग तो जरूर चले जाओगे, नहीं तो बस जानिए रहे हो गोवा ऐसे नहीं चले जाओगे 300 टका लेके, एगो जनरल का टिकट कटा लिए, सब कुछ मिलेगा यदि आप पढ़ाई को ठीक से कर रहे हैं तो। नहीं, केवल इस पे ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसके बाद हम केमिस्ट्री वीडियो भी बनाने वाले हैं, 3-4 वीडियो लगातार मैथ का बना चुके हैं, अब केमिस्ट्री बनाएंगे। ये सब बिल्कुल गलत था, जो सब बच्चे कॉल किए हैं वो समझ ही रहे होंगे, सबका नाम लिख के नहीं रखे हैं कि सबका नाम लिख लें और फिर बताएं, ये 2-3 नाम हमको याद रह गया जो बोले, बिल्कुल ये सब गलत बात है, ठीक। आपके घर में भी सिस्टर है, मदर है, मेरे घर में भी है, किसी और के घर में भी है, किसी का रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं तो फिर 4 लात खाइएगा, जैसे देखते हो ना बांध के मारता है, बांध देगा एगो रस्सी में, आप फेसबुक पे लाइव कर देगा, अब जान रहे हो ना फेसबुक पे भी लाइव होने का मतलब पूरा दुनिया जान लेगा कि ये वैज्ञानिक नहीं अच्छा काम कर रहा था। आप अच्छे से जानते हैं कि अच्छा काम क्या है और बुरा काम क्या है, ठीक है। बाकी क्लास में मिलेंगे जब आपको समझाएंगे यदि ये सब घटना का जिक्र हुआ तो। बाकी जो सब लड़के इस कैटेगरी के हैं वो सब प्लीज कभी किसी लड़की को इतना भी
ये सब नहीं। तब यदि किसी लड़की को परेशान करोगे वो बेवकूफ होगी जो थाना नहीं जाएगी, थाना चली जाएगी, नंबर दे देगा, अब बस नंबर डिटेल सब मिल ही जाएगा। थाना में भी जान बे करते हो वहाँ कितना पीटेगा। और अब ये उम्र में सबसे गलत चीज ये है। खैर सुधर जाइए अभी से कम ये तो वीडियो देख के समझ सुधर जाइए। बड़ा बुरा हाल होगा यदि कोई लड़की एफ आई आर जाके कर देगी, क्योंकि ये तो मेरा नंबर है, हम कहाँ जाएंगे एफ आई आर करने के लिए कि ये सब बोल रहा है सच्चा प्यार हो गया है, हमको ही अरेस्ट करके बंद कर देगा। ठीक, जहाँ करते हो झूठो का किसी लड़की के नंबर लेके एफ आई आर कर देगी तो फिर समझते रहना।